सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद अपने पास सबसे पहला स्टैंडर्ड दैट इज एएस नंबर 1, वो आपके पास आ रहा है जी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड हमारे पास है एएस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नाउ ये आपके पास स्टैंडर्ड जो बताने जा रहा है वो सबसे पहले तो ये बताता है अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या चीज है और इसकी डिस्क्लोजर। तो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चीज है जी, एक तो आपके पास मेथड्स आपके पास जो आ रहा है और आपके पास क्या था प्रिंसिपल्स, असूल और तरीके बेसिकली दो चीज थी। सो वन वाज योर प्रिंसिपल्स दैट इज इन्वेंटरी वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी दैट इज, एंड मेथड दैट इज आप उसे फीफो से वैल्यू कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज से कर रहे हैं। सो दो चीजों को वो कवर करता है अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन में, ठीक है ना। नाउ अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ यहाँ पे आपके पास जो वो चीजें कवर करता है वो करता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन सी है, जो एक स्टेटमेंट बनाते हुए आपके पास माना जाता है कि आप इनको हमेशा फॉलो कर ही रहे हो। तो वो कौन कौन सी तीन चीजें, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रुअल। ये तीन चीजें आप हमेशा माना जाएगा कि आप इनको फॉलो कर रहे हो। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे किसी भी एक को तो बता दो हमने फॉलो नहीं किया। मतलब अगर आप लेट से अपनी किताबें कैश बेसिस पे बना रहे हो सो यू हैव टू टेल कि आपकी बुक्स जो बनी वो किस पे बनी, कैश बेसिस पे बनी। तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ओनली इफ नॉट फॉलोड, अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे तो बेसिकली बताएंगे, अगर फॉलो कर रहे हो तो ये माना जा रहा है कि इनको फॉलो आपने किया। देन अकाउंटिंग पॉलिसी के समय में आपके पास सबसे पहली चीज आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा वाइल सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। वो कहते हैं वैसे तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस जो बिजनेस के अंदर है उसके हिसाब से एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, इट्स अ कॉल ऑफ द मैनेजमेंट कि वो अपने हिसाब से जो उनको सूटेबल पॉलिसीज लगती है वो उनको फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे कंसिडरेशन में वो बेसिक चीज बता रहे होता है कि प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है, प्राइमरी हमारा अहम क्या पॉइंट है वाइल सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। वो कहते हैं प्राइमरी तो मुद्दा हमारा ये है कि जो भी पॉलिसी फॉलो करूं वो ट्रू एंड फेयर व्यू आपके पास बताए, ठीक है ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू, उसको सब कुछ सही सही हो, फेयर आपके पास हो, ताकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कोई चीज गलत ना रह जाए। और सेकेंडरी किन चीजों का ध्यान रखते हैं हम लोग अपने पास में, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियल। प्रूडेंस मतलब डिग्री ऑफ कॉशन, प्रोवाइड फॉर द पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज द गेन। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मींस रियलिटी ओवर लीगैलिटी, आप अपने हायर परचेज ट्रांजेक्शन था, एग्रीमेंट टू सेल था। एंड मटेरियलिटी मतलब आपके पास जो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है यूजर को बताने के लिए, विच मे इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन। तो इन तीन चीजों को ध्यान रखते हैं। देन हमने कहा था इनका डिस्क्लोजर कहाँ पे करना है जी, डिस्क्लोजर कर रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या हम इन्हें अलग अलग दिखा सकते हैं कि इकट्ठे एक ही जगह पे रखना है, इकट्ठे एक ही जगह पे, और ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटीग्रल पार्ट है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा है और इन्हें एक ही जगह अपने पास दिखाना है। देन क्या इसमें बदलाव आ सकता है कभी, पर कब आ सकता है बदलाव, तीन आपके पास कारण थे। आपके पास था अगर रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट है, देन कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या बेटर प्रेजेंटेशन। इन तीन में ही आप बेसिकली चेंज लेके आ सकते हो, अदरवाइज आप अपने पास पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते। नाउ जब भी पॉलिसी को चेंज करेंगे हमारे पास, उस केस में हमने क्या बोला था, हम ये चेक करते हैं क्या मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में है या इस साल नहीं है पर आने वाले सालों में। तो अगर मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में है और उसके अमाउंट को असर्टेन कर सकता हूं कि फर्क कितने से पड़ रहा है, तो डिस्क्लोज कर दो अमाउंट को कि पॉलिसी चेंज करी और उससे फर्क कितने अमाउंट का पड़ रहा है इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी पे। और अगर अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते तो फैक्ट बता दो, मतलब कि पॉलिसी चेंज करी भाई, ये तो बता दो कि पॉलिसी चेंज करी, अमाउंट कैनॉट बी असर्टेन। पर अगर उसका फर्क इस साल में नहीं पड़ रहा पर आने वाले सालों में पड़ेगा तो एटलीस्ट डिस्क्लोज फैक्ट कर दो, ठीक है ना, एटलीस्ट ये तो बता दो कि हमने पॉलिसी चेंज करी है। सो आपके पास ये वाली कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें थी एएस 1 में, दैट्स अ थ्योरेटिकल आपके पास जो स्टैंडर्ड है। इसमें ज्यादातर आपके पास क्वेश्चंस है वो एक्रूअल को लेके आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, आपके पास एग्रीमेंट टू सेल वाले क्वेश्चन थे जो हमने अपने पास क्लास में किए थे। सो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट मेंशन इट। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन कई बार ये भी आए हुए हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बता दो कौन सी है, ठीक है ना, आप अपने चेंज पॉलिसी में कब कर सकते हो और उसका अपने बेसिकली क्या उसका रिफ्लेक्शन करना है अगर चेंज करोगे, तो ये चीज आपको बतानी है। सो थ्योरी क्वेश्चन जो जनरल है कई बार वो आ सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बना सकते हो टेबल और उसके बाद दो लाइनें बस सिंपली लिख दो, बिल्कुल वो दो लाइनें लिख दो। एटलीस्ट क्या है वो आप सिर्फ अपने पास क्या है थ्रेटिकल चीज बता रहे हो, लाइनें लिखे, बट आपको मार्क्स आपके टेबल के बेस पर मिल जाएंगे, ठीक है ना।